आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी आईक्यू पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, एक हफ्ते बाद मैं लेक्चर लेके आ रहा हूँ। एक्चुअली मैं काफ़ी बीमार पड़ गया था, मुझे डेंगू हो गया था, और अब जानते ही हैं तो भगवान दुश्मन को भी डेंगू ना दे। पता नहीं कहाँ से मच्छर ने काट लिया, एडीस इजिप्टी मॉस्किटो होता है, और मुझे डेंगू हो गया और एक हफ्ते तक मैं काफ़ी बीमार था। फिलहाल अभी भी आप देख रहे हैं मैं काफ़ी रिकवर कर गया हूँ, लेकिन फिर भी मेरी अभी आवाज़ जो है वो बैठी हुई है। इस बीच बहुत सारे बच्चों के मैसेजेस आ रहे थे कि सर कब आपके लेक्चर्स आएंगे। काफ़ी मैसेजेस तो मैंने अभी देखे, जब मैं रिकवर हुआ, मैं हॉस्पिटल से आया तो मैंने सबको बताया, और आपसे जो है वो रेगुलर लेक्चर्स जो है वो रेगुलर बेसिस पे आएंगे। और शुरुआत हम करेंगे आज राहुल बजाज से। राहुल बजाज काफ़ी बीते हफ्तों में काफ़ी ट्रेंड कर रहे थे, इन्होंने एक बयान दिया था, आपको याद होगा। बयान क्या, इनफैक्ट एक स्पीच थी पूरी, उसमें काफ़ी कुछ जो इस समय देश में चल रहा है इन्होंने अटैक किया था उस पर, और बहुत ही कंस्ट्रक्टिव अटैक था। और सरकार ने, देखिए जो इस समय होम मिनिस्टर हैं अमित शाह जी ने, उन्होंने तो इसको बहुत ही अच्छे से लिया, लेकिन बहुत सारे जो मिनिस्टर्स हैं और बहुत सारे लीडर्स हैं वो राहुल बजाज पे काफ़ी एकदम मतलब डायरेक्टली भिड़ गए हैं। तो आज हम राहुल बजाज की बात करेंगे कि इनका कॉन्ट्रीब्यूशन क्या है इंडियन इकोनॉमी में। बहुत ही जानी मानी हस्ती हैं भैया। जब भारत मंदी से जूझने वाला था और ऐसा लग रहा था कि भारत के पास कुछ नहीं बचेगा, तब बहुत सारे इंडस्ट्रियलिस्ट जिसमें राहुल बजाज भी एक थे, तब भारत के रेस्क्यू के लिए आए थे, और इनकी कंपनी ने भारत को मुसीबतों से उभारा है। तो राहुल बजाज की, बजाज जो फैमिली है, इनका जो इतिहास रहा, इन्होंने भारत के लिए बहुत कुछ किया है। राहुल बजाज के जो दादाजी थे वो गांधी जी के साथ चले, उनके साथ लड़े, स्वतंत्रता संग्राम जो हुआ उसमें लड़े, और काफ़ी ज़्यादा जो डोनेशन था कांग्रेस पार्टी को, क्योंकि उस समय जो पार्टीज थी, आज भी पार्टीज डोनेशन पर चलती, उस समय भी चलती थी, तो वहाँ पर इंडस्ट्री से चंदा जाता था, जिसमें राहुल बजाज की भी मतलब बजाज इंडस्ट्री भी थी। इस समय तो बहुत बड़ी है, 24 से ज़्यादा कंपनीज बजाज ग्रुप के अंदर आती हैं। तो हम राहुल बजाज की बात करेंगे। भैया बॉक्सर रह चुके हैं, वैसे इतने मतलब माहिर खिलाड़ी हैं ये। सिद्धांत को रिकनेक्ट मेरा फेसबुक पेज है, सिद्धांत अग्निहोत्री के नाम से मेरी फेसबुक प्रोफाइल है। दोनों ही जगह अपने चेक पीडीएफ ले सकते हैं, सवाल भी पूछ सकते हैं। स्टडी आईक्यू के टैबलेट और पेन ड्राइव कोर्सेज हर एग्जाम्स के लिए आते हैं। आप इन नंबर पर कॉल करिए, वेबसाइट विजिट करिए। आप मेरी आवाज़ देख रहे हैं, आवाज़ काफ़ी ज़्यादा बैठ गई है, ठीक है, तो 3 दिन में सही हो जाएगी। मैं काफ़ी कोशिश कर रहा हूँ कि सही हो जाए, ठीक है, वही जो नुस्खा होता है गार्गल, ठीक है, वही मैं कर रहा हूँ, और थोड़ा शांत भी हूँ। लेकिन अब मैंने सोचा कि चलिए काम पे वापस आते हैं, बहुत सारे बच्चे मैसेजेस कर रहे हैं और मुझे भी बड़ा अच्छा नहीं लग रहा था कि मैं इतने दिनों से बेड पे था। तो चलिए, राहुल बजाज की अगर बात करें तो इनका जन्म 30 जून 1938 में कलकत्ता में हुआ था। आपको बता दूं कि बजाज ऑटो के चेयरमैन है, हालांकि अभी तो स्टेप डाउन कर दिया है और इस समय रिटायर हो चुके हैं, और काफ़ी स्पीच देते रहते हैं, ठीक है। और अभी 30 नवंबर को बीते हफ्ते एक स्पीच ने काफ़ी हंगामा खड़ा कर दिया। सरकार के काफ़ी नुमाइंदे आए थे, निर्मला सीतारमण, पीयूष गोयल और अमित शाह भी बैठे हुए थे, और उनके सामने राहुल बजाज ने एकदम बेखौफी से एक ऐसा भाषण दिया कि एकदम हंगामा हो गया। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि मुझे बहुत अच्छा ये लगा कि अमित शाह जी ने उसको बहुत ही अच्छे से लिया, जो रिस्पॉन्स आया, ठीक है, राहुल बजाज की स्पीच से, वो एक बहुत ही मैच्योरिटी वाला रिस्पॉन्स, और इस रिस्पॉन्स को और किसी ने वेलकम भी किया कि जिस तरीके से रिस्पॉन्ड किया यहाँ पे अमित शाह जी ने, वो बहुत अच्छा था, ठीक है। ऐसा नहीं कि राहुल बजाज ने कुछ बोल दिया सरकार के खिलाफ तो वहाँ पे एकदम मतलब होता है ना, और ऐसा हो भी रहा है, अगर आप कुछ भी ऐसा एक माहौल टाइप का हो गया है कि अगर आप कुछ भी सरकार के खिलाफ बोल दो तो एक ट्रोल आर्मी होती है, वो बिल्कुल आपके पीछे पड़ जाती है, मतलब आपने बोल कैसे दिया। तो या तो आप एक चीज़ के सपोर्ट में, या फिर आप उसके बिल्कुल अगेंस्ट में हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो अमित शाह जी ने बोला कि अगर ऐसा लग रहा है राहुल बजाज जी को तो हम उसको दूर करने की कोशिश करेंगे, बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स था, एक मैच्योरिटी वाला रिस्पॉन्स। इनके जो दादाजी हैं जमना लाल बजाज, वैसे तो इनके पिताजी कमल नायन बजाज के पुत्र हैं राहुल बजाज, इनके दादाजी जमना लाल बजाज जो हैं वो स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं। 1920s में ही इन्होंने बजाज ऑटो ग्रुप, मतलब बजाज ग्रुप की फाउंडेशन, जो ये पूरा बजाज का ग्रुप है, ये फाउंड किया था। और तब से जो है जमना लाल बजाज का ये जो ग्रुप है वो इंडिया के जितने भी फ्रीडम, जब तक भारत आज़ाद नहीं हुआ था, तो जो स्वतंत्रता सेनानी अभियान हुए थे और जो भी इंडिपेंडेंट प्रोग्राम, साथ ही साथ कांग्रेस पार्टी को भर भर के इन्होंने सपोर्ट किया है, ठीक है। और इनके पिताजी गांधी जी के अनुयायी थे, और इनके दादाजी, तो आपको बता दूं कि इनके दादाजी को अंग्रेजी नहीं आती थी। इनके दादाजी ने बहुत ही कम उम्र में, परिवार से थोड़ा वाद विवाद हुआ, घर छोड़ दिया, और उसके बाद जब गांधी जी से मिले तो गांधी जी के सत्य और अहिंसा के रास्ते पे चल दिए। और उसके बाद जो 1921 में आश्रम, वर्धा आश्रम जो फाउंड किया था गांधी जी ने, वो जमना लाल बजाज की ही हेल्प से गांधी जी ने इस आश्रम को फाउंड किया था। मैंने गांधी जी की ऑटोबायोग्राफी माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रुथ का रिव्यू किया था, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि कितनी मुश्किल होती थी गांधी जी को आश्रम चलाने में, इतना आसान नहीं होता था, क्योंकि गांधी जी का जो आश्रम था वो बिल्कुल मतलब अनटचेबिलिटी
उसमें बिल्कुल नहीं होती थी कि किसी को भी ऊंचा नीचा नहीं समझा जाएगा, हर किसी को हर किसी वर्ग का वेलकम है गांधी जी के आश्रम में। तो ये बहुत, जो समय सोसाइटी थी आपको पता था, सोसाइटी डिवाइडेड थी, ठीक है, और हमेशा से डिवाइड रही है। तो इसमें जो निचले तबके के लोग थे उनको ज्यादा मतलब क्या कहते हैं कि उनको ज्यादा मेन स्ट्रीम में लाने की कोशिश अगर कोई करता था तो उसको बहुत वैसे देखा जाता था कि ऐसा नहीं, उनको जो उस समय कंडीशन स्टेटस को बना रहना चाहिए, जैसी कंडीशन है वैसी होनी चाहिए, किसी का उत्थान करने की कोई जरूरत नहीं है। तो गांधी जी तो हरिजन बोलते थे, जो सबसे लोअर क्लास के लोग होते थे, तो उसमें भी वो जितने भी लोअर क्लास के लोग होते थे वो गांधी जी के आश्रम में आ सकते थे, सारी चीजें कर सकते थे। तो बहुत लोगों को पसंद नहीं आता था। तो एक टाइम पे जब गांधी जी के शुरू में साबरमती आश्रम और भी उन्होंने आश्रम की जब स्थापना की, तब शुरू में तो बहुत ज्यादा सपोर्ट मिला, लेकिन जब लोगों ने देखा कि ये तो गांधी जी जो सबके सब जो निचले तबके के लोग हैं उनको बहुत ज्यादा सपोर्ट कर रहे हैं, तो बहुत जो अपर कास्ट के लोग थे उन्होंने सपोर्ट खींच लिया। उस समय राहुल बजाज के तो जो दादाजी थे उन्होंने गांधी जी का बहुत अच्छे से सपोर्ट किया। गांधी जी राहुल बजाज के दादाजी जमनालाल बजाज को अपना पांचवा बेटा कहते थे, है ना। तो दादाजी ने बहुत ज्यादा सपोर्ट किया। तो बजाज फैमिली की जो लेगेसी है वो इस तरीके की है। जब राहुल बजाज ने स्पीच दी 30 नवंबर को, मैं बार बार इस पूरे लेक्चर में उन स्पीच का कंटेक्स्ट दूंगा, तो राहुल बजाज जी के बारे में बहुत सारी बातें उड़ने लगी, अफवाहें फैलने लगी। मैंने आपको बताया कि ट्रोल आर्मी पूरी भिड़ गई कि इनकी फैमिली ऐसी है और इन्होंने राहुल गांधी का सपोर्ट किया। और लेकिन आप देखिए, अगर आप इनके इतिहास में जाएंगे तो इनका इनकी परिवार का पूरा इतिहास ये भारत से जुड़ा हुआ है। जो भारत के हित में है वो यहाँ पे इनके परिवार ने किया है, तो बहुत अच्छी बात है। उसके बाद इन्होंने बजाज ग्रुप को फाउंड किया, और उसके बाद बजाज ग्रुप जो है 1920 से लेकर अभी तक भारत की उपलब्धियों में उनका बहुत बड़ा योगदान है, और काफी ज्यादा रेवेन्यू जो है वो जनरेट करता है बजाज ग्रुप। तो ये सारी चीजें हुई। 1942 में हम ये देखते हैं कि कमल नायन जो राहुल बजाज के पिताजी हैं उन्होंने बजाज ग्रुप को फिर अपने पास लिया और वो सीईओ बनते हैं। और उसके बाद फिर 1960 के दशक में राहुल बजाज जो है वो अपनी पढ़ाई पूरी करके सीईओ बनते हैं। वैसे राहुल बजाज सेंट स्टीफन कॉलेज दिल्ली 1958, और उसके बाद फिर इनके पास लॉ की डिग्री है बॉम्बे यूनिवर्सिटी से, और उसके बाद फिर ये एमबीए हार्वर्ड बिजनेस स्कूल भी गई है, अमेरिका में भी इन्होंने पढ़ाई की है, और फिर 1968 में ये बजाज ऑटो के सीईओ बनते हैं, ठीक है। अब 1968-70 जवाहरलाल नेहरू चले गए थे भारत, उस समय जब तक जवाहरलाल नेहरू थे तब तक तो विकास के पर लगे हुए थे, लेकिन उसके बाद जब इंदिरा गांधी आई तो बहुत सारी दिक्कतें हो गई, ठीक है। लेकिन फिर इंदिरा गांधी ने टेक ओवर किया, और उसके बाद लाइसेंस राज चलता था। आपको याद होगा कि मैंने इस पे एक सेपरेट पूरा एक मतलब एक सेपरेट लेक्चर है मेरा, कि एक सुई बनाने के लिए भी आपको सरकार की परमिशन चाहिए होती थी। आज जिस तरीके से ओपन मार्केट है वैसे पहले नहीं था। तो उस समय लाइसेंस राज चलता था, चंद लोगों के हाथ में थी पूरी सत्ता, और जो कंपनीज हैं ठीक है उसमें राहुल बजाज भी एक बहुत बड़ा नाम थे, मतलब राहुल बजाज नहीं, जो बजाज ग्रुप था वो भी बहुत बड़ा नाम था। और जब राहुल बजाज सीईओ बने तो उनके सामने बहुत सारी चुनौतियां थी। तब तक भारत के पास स्कूटर्स नहीं थे, अच्छे स्कूटर्स नहीं थे। तो जब राहुल बजाज सीईओ बने तो उन्होंने इस डिवीजन को बहुत ज्यादा एक्सपैंड किया, ऑटो डिवीजन बहुत ज्यादा एक्सपैंड हुआ। और उस समय आपको याद होगा कि एडवर्टाइजमेंट का जमाना था, 1980 के दशक में भारत की जो टेलीविजन इंडस्ट्री है वो भी ग्रो करने लगी, और घर घर में टीवी पहुंच गया, वहां पे एड आते थे। और आज भी कहते ना, जो वन ऑफ द फाइनेस्ट एड में था बजाज ऑटो ग्रुप ने जो एड निकाला था, हमारा बजाज जिसकी टैगलाइन थी, ठीक है ना, एक बुलंद भारत की बुलंद तस्वीर, और आखिरी में आता था हमारा बजाज, वो एक अंकल जी स्कूटर में बैठे हुए। तो उसकी शुरुआत जो है वो राहुल बजाज ने की। और जब राहुल बजाज सीईओ बने, पहले डेप्यूटी मैनेजर बने कंपनी में, और उसके बाद फिर मैनेजिंग डायरेक्टर, और उसके बाद फिर इनको कंपनी की कमान सौंप दी गई। उसके बाद बजाज ने बहुत ज्यादा तरक्की की, विजनरी रहे हैं। फिर उसके बाद 1991 में दोस्तों आपको पता ही है एलपीजी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, भारत की इकोनॉमी खुली, और तब एक बॉम्बे क्लब नाम से ग्रुप बनाया गया, 8 इंडस्ट्रियलिस्ट का ये ग्रुप था। हालांकि एलपीजी को बहुत ज्यादा सपोर्ट नहीं कर रहा था, कुछ मुद्दे पे असहमत थे, जिसके अध्यक्ष राहुल बजाज भी बने। राहुल बजाज ने अगर भारत सरकार की वैसी नीति, कोई भी ऐसी नीति जो भारत की इंडस्ट्रीज को हार्म कर रही है, क्योंकि दोस्तों आपको पता ही कि इंडस्ट्री और इकोनॉमी डायरेक्टली रिलेटेड है, ठीक है, अगर भारत का उद्योग जगत विकास के पथ पे जाएगा, विकास करेगा, विकासशील होगा, तभी भारत की इकोनॉमी भी, भारत की अर्थव्यवस्था भी विकासशील होगी, वरना बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगी। अब हम यहां पे देखते हैं कि राहुल बजाज ने हमेशा से ही, अगर भारत की जो नीतियां हैं, भारत सरकार की जो नीतियां हैं वो उद्योग जगत के खिलाफ हो, तो उसके खिलाफ आवाज उठाई है।
हमेशा से ये बोलते आए हैं, ये सिर्फ आज ही नहीं बोल रहे, ये हमेशा से बोलते आए हैं, ये यूपीए के सरकार में भी इन्होंने बोला, ठीक है। तो ये चीज है, तो यहां पे हम ये देख रहे हैं कि 1970s 80s जब राहुल बजाज सीईओ बने तो बजाज कंपनी, बजाज ग्रुप बहुत तेजी से ग्रो किया, और उसका सबसे बड़ा रीजन था वेस्पा स्प्रिंट और चेतक, चेतक वेस्पा। उस समय घर घर में ये स्कूटर्स थी, जैसे आज आप एक्टिवा देख रहे हैं, जब से एक्टिवा आई है तब से सारा मार्केट डाउन हो चुका है, ठीक है, बाइक से ज्यादा एक्टिवा बिकती हैं। उस समय कार कोई खरीद नहीं सकता था, कार वैसे मारुति सुजुकी फीएट यही कारें चलती थी, ज्यादा कंपनीज नहीं थी। तो उस समय वेस्पा स्प्रिंट चेतक ये सब अफोर्डेबल कार्स थी, और घर घर में आपको ये सारी स्कूटर्स दिखती थी। बजाज को करोड़ों का मुनाफा कमा के दिया राहुल बजाज ने। वैसे राहुल बजाज बॉक्सिंग चैंपियन थे, अपने कॉलेज में जब बॉम्बे में पढ़ते थे तो बॉक्सिंग भी करते थे, तो भैया बॉक्सिंग के भी पैतरे इनको अच्छे से आता। तो भैया पॉलिटिशियंस को वैसे दूर रहने की ही सलाह दी जाती है, पता चला कहीं जैब या पंच मार दिया। खैर जोक सपाट, ऐसा नहीं होगा, बड़े सुलझे हुए इंसान है राहुल बजाज। तो ये चीज है। उसके बाद दोस्तों 2000 बजाज की जो सेल्स थी वो काफी ज्यादा ऊपर जा रही थी, लेकिन फिर बहुत सारी जापानीज कंपनीज आ गई, होंडा यमहा सुजुकी नई नई बाइक्स लेके आई। दोस्तों आपको पता ही है RXG और यमहा की RXG उस समय बहुत फेमस हुई थी, सुजुकी भी, और जो जो स्कूटर्स आई थी वो भी बहुत ज्यादा फेमस। तो बजाज की सेल्स जो है वो बिल्कुल एकदम गिरने लगी, और एक समय पे ऐसा लग रहा था कि बजाज कभी उठ ही नहीं पाएगा, ठीक है, क्योंकि यमहा कमाल का काम कर रही थी, और आज भी यमहा कमाल का काम कर रही है भैया, इनकी बाइक्स बहुत ज्यादा फेमस है। तो यमहा कमाल का काम कर रही थी, और जो ये जो जितनी भी जापानीज कंपनीज हैं, होंडा तो अभी भी बहुत बढ़िया काम कर रही है, एक्टिवा देख लीजिए आप, एकदम उसकी जो सेल्स है वो हमेशा टॉप पे ही रहती है। लेकिन यहां पे फिर राहुल बजाज ने तुरुक का खेल दिया। यहां पे हम ये देखते हैं कि इन्होंने बहुत ही फेमस बाइक, ठीक है, पल्सर, बजाज पल्सर निकाल दी, और जब बजाज पल्सर आई दोस्तों तो अगेन हम ये देखते हैं इस बाइक ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए, और जितनी भी जापानीज कंपनीज थी उन सबको पछाड़ते हुए बजाज पल्सर मोटरसाइकिल नंबर वन पे आ गई, चार्ट्स को टॉप किया था, और सालों सालों भर ये नंबर वन सेलिंग बाइक रही थी। और आज भी बजाज पल्सर जो है वो बहुत ज्यादा बिकती है, स्पेशली 220 जो रेसिंग बाइक्स हैं, काफी लोगों को पसंद होती है, तो बहुत ज्यादा खरीदी जाती है इनकी बजाज पल्सर। बजाज पल्सर ने पूरे बजाज इंडस्ट्री को अकेले दम पे उठा लिया था, थैंक्स टू राहुल बजाज। तो हमको ये भी देखने को मिलता है कि इनोवेटर भी हैं, कोई नया आइडिया आता है तो ऐसा नहीं कि उसको पीछे डब्बे में बंद करके फेंक दो, नहीं, उसको अप्लाई करो, और देखिए कितना बढ़िया हो रहा है। तो ये चीज है। साथ ही साथ CII के प्रेसिडेंट भी रहे हैं और CIM के भी प्रेसिडेंट रहे हैं राहुल बजाज, ठीक है। अब दोस्तों 2005 में ये सीईओ के पद से रिटायर हो गए, इन्होंने मतलब चेयरमैन नहीं रहे, और इनके बेटे राजीव बजाज ये चेयरमैन बनते हैं, और अपर हाउस यानी कि राज्यसभा के भी मेंबर रहे हैं ये, 2006 से लेकर 2010 तक के मेंबर रहे हैं, आपको पता ही है। उसके बाद दोस्तों 30 नवंबर को अभी आपको पता ही है कि मीटिंग हुई थी, इकोनॉमिक टाइम्स की मीटिंग थी, और वहां पे सारे बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट बैठे थे, गृह मंत्री अमित शाह भी थे, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और पीयूष गोयल भी बैठे हुए। राहुल बजाज ने बोलना शुरू किया तो एकदम हंगामा मच गया। हंगामा क्या, राहुल बजाज ने वैसे ऐसा कुछ नहीं बोला पार्टी के खिलाफ या कुछ भी ऐसा देश के खिलाफ तो बोला नहीं, उन्होंने वही बोला जो बहुत से लोग आजकल सोच रहे हैं। उन्होंने यहाँ पे बोला कि एग्जैक्ट वर्ड तो मुझे नहीं याद है, लेकिन मैं कुछ आपको हाईलाइट्स बताता हूँ। उन्होंने इनटॉलरेंस पे बात की, असहिष्णुता पे बात की, और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज उन्होंने ये बोला कि आजकल सरकार को क्रिटिसाइज आप नहीं कर सकते। पहले यूपीए के जमाने में इस तरीके का माहौल नहीं था, हम क्रिटिसाइज कर सकते थे, लेकिन आज हम सरकार को क्रिटिसाइज नहीं कर सकते, डर का माहौल टाइप का हो गया है। ये जो उन्होंने बोला इसी पे ही पूरा विवाद खड़ा हो गया। और उसके बाद जो आपको पता ही है कि साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने जो गोडसे को देशभक्त कहा था, उसके बाद बीजेपी ने ही बहुत ज्यादा निंदा की थी। राजनाथ सिंह ने बोला था कि गोडसे को देशभक्त बोलना तो दूर, सोचना भी पाप है, लेकिन मुझे समझ में नहीं आता, मोदी जी ने भी इससे पहले कहा था कि गोडसे को जो देशभक्त बोलते हैं उनको मेरा कभी, मतलब जो उनका इशारा था वो प्रज्ञा ठाकुर की तरफ था, मैं कभी उनको माफ नहीं करूंगा। ये क्या बयान, मुझे समझ नहीं आता है। एक तो कुछ वर्ड तो ऐसे तो बिल्कुल बोलने ही नहीं चाहिए, बैन कर देने चाहिए, एक तो निंदा करने से क्या होता है, दूसरा माफ नहीं करेगा ये सब, अरे सीधा कार्रवाई करो यार, सस्पेंड करो पार्टी से, अगर आपको लग रहा है देश को दिखाओ, जनता को दिखाओ कि आप वाकई में सीरियस हो ऐसे बयानों के खिलाफ। लेकिन कुछ नहीं, बस एक छोटा सा बयान दे देंगे, भाषणबाजी हो जाएगी, फिर सब कुछ एकदम ठंडे बस्ते में चला जाएगा, ऐसे नहीं होता है। पब्लिक सब देख रही है, जनता देख रही है, पार्टी को काम करना पड़ेगा, कोई भी पार्टी हो, देश सबसे ऊपर होता है, तो काम करेंगे तभी।
और ये जो राहुल बजाज ने बोला है ये उस समय आया है जब इकोनॉमिक्स मतलब जो सेकेंड क्वार्टर की जीडीपी आ गई है जो कि 4.5% है, इतनी बुरी हालत हो गई है दोस्तों। और ऐसा बोला जा रहा है कि अगर नए आंकड़े को ले लें, क्योंकि बेस ईयर चेंज किया गया था, और अगर हम ऑल ओवर द इकोनॉमी देखें तो भारत की इकोनॉमी 0% से ग्रो हुई है, मतलब ग्रोथ ही नहीं हुई है। ये तो नया वाला जो मेथड है उस हिसाब से 4.5% है, ऐसे 2.5%, और अगर ऑल ओवर कैलकुलेशन है तो 0% से ग्रो हुई है। इतनी बुरी हालत है। अब आपको लग रहा होगा क्या फर्क पड़ता है सर, जीडीपी ग्रो ना हो, मुझे वही दो रोटी खानी है, मैं खा रहा हूं मस्त से घूम रहा हूं। दोस्तों 1% की गिरावट से ना लाखों लाखों नौकरियां जा रही हैं, मत याद रखिएगा ये लॉस हो रहा है, 1% की गिरावट आ रही है, ठीक है ना। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर तो वैसे ही बैठा हुआ है, आईआईपी के जो इंडेक्स आ रहे हैं वो 1% क्या 0.1% से भी हजारों हजारों नौकरियां जा रही हैं। तो ये बहुत बुरी कंडीशन है, इसको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। रूरल वेजेस बढ़ नहीं रहे हैं, पैसे देने पड़ेंगे लोगों के हाथ में, पैसे जब तक नहीं आएंगे तब तक वो खर्च कहां से करेंगे, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। और उसी समय पर राहुल बजाज ने ये बयान दे दिया। तो राहुल बजाज ने ये स्पीच में बोला कि ऐसा नहीं होना चाहिए, और काफी उनकी लंबी चौड़ी स्पीच थी, जैसा कि मैंने बताया एग्जैक्ट स्पीच तो मुझे नहीं याद है, ठीक है मैं भूल भी गया हूं, लेकिन उनका जो मेन था कि इनटॉलरेंस, साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने जो गोडसे के खिलाफ बोला, गोडसे के लिए बोला था कि गोडसे देशभक्त है, और जो देश में डर का माहौल है ये बिल्कुल गलत है। अब उसके बाद फिर जो बीजेपी आईटी सेल के अध्यक्ष हैं, क्या मालवीय कुछ करके नाम है, उन्होंने फिर खोज खोज के वीडियोस निकालने शुरू कर दिए राहुल बजाज के, और सोशल मीडिया पे डालने शुरू कर दिए कि ये देखिए ये कांग्रेस के आदमी है। और बल्कि ऐसा नहीं है, वो जो पूरा एक छोटी सी क्लिप दिखा रहे थे वो अलग है, ठीक है, और कांग्रेस के आदमी है और उन्होंने ऐसा किया वैसा किया, ये गलत है। लेकिन अमित शाह जी ने बहुत ही मैच्योरिटी से इसका रिस्पॉन्स दिया, ये बहुत अच्छा लगा और काफी लोगों ने इसको सराहा। अमित शाह जी ने ये बोला बाद में कि 1 दिसंबर को निर्मला सीतारमण ने हालांकि बोला था कि राहुल बजाज को ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, अपना उनको विजन ऐसा नहीं थोपना चाहिए, लेकिन अमित शाह ने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया कि अगर किसी को ऐसा लगता है कि डर का माहौल है तो हम इस डर के माहौल को हटाएंगे, हम कोशिश करेंगे। बहुत ही बढ़िया मैच्योरिटी वाला रिस्पॉन्स था, इसमें वाकई में इनकी तारीफ करनी पड़ेगी। लेकिन राहुल बजाज ने जो सवाल उठाए हैं वो बिल्कुल सही सवाल उठाए हैं, बिल्कुल वाजिब सवाल उठाए हैं। उन्होंने सीधा बोल दिया कि यहाँ पे बहुत सारे इंडस्ट्रियलिस्ट बैठे हुए हैं, कोई नहीं बोलेगा, और मैं बोल रहा हूं तो सबको लग रहा है कि सूली पे चढ़ गया, लेकिन बोलना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये राहुल बजाज ने बोला, और जब से बोला है तब से वो बिल्कुल सोशल मीडिया पे छाए हुए हैं। मुझे तभी ये वीडियो लेके आना चाहिए था, लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि उस समय मैं काफी बीमार था, बाद में मुझे पता चला कि ऐसा कुछ बयान आया है, क्योंकि मुझे कुछ भी खबर नहीं थी, मैं इतना ज्यादा बुखार में पड़ा हुआ था कि मुझे समझ ही नहीं आ रहा था मैं करूं तो करूं क्या। तो ये राहुल बजाज की बायोग्राफी थी, आप देख सकते हैं। स्टेक अगर हम बात करें तो 10% इनका बजाज ऑटो में, फिर बजाज फिनसर्व में, 24 से ज्यादा कंपनी अगर बजाज ग्रुप की बात करें दोस्तों, और इनकी जो नेटवर्थ है वो 4.4 बिलियन डॉलर्स की है, ठीक है। 100 richest पीपल में ये रहते ही रहते हैं, ये बहुत बड़ी बात है और काफी बड़ा नाम है। और राहुल बजाज का ऐसे बोलना ये कमाल की बात है, बहुत अच्छी बात है, फ्रीडम ऑफ स्पीच होनी चाहिए। और मैं आपसे भी बोलूंगा जिनको ऐसा खराब लग रहा है, ऐसा नहीं, बिल्कुल नहीं, देश के लिए हर किसी को बोलना चाहिए, सवाल तो उठाना ही चाहिए ना भैया, कुछ गलत हो रहा है आपकी जिंदगी में, कुछ गलत हो रहा है, आप उसको सुधारने की कोशिश करेंगे कि आप बोलेंगे नहीं नहीं सब चुप हो जाओ, मेरी जिंदगी में जो गलत हो रहा है अच्छा है, अपने आप सुधर जाएगा, ऐसा नहीं होता है, ठीक है ना। तो हम कोशिश करेंगे, हम सबका भी यही दायित्व बनता है कि हम भी सवाल पूछें, और राहुल बजाज या कोई भी अगर सही जवाब सही सवाल उठा रहा है तो उसका भी सपोर्ट करें। तो ये दोस्तों छोटी सी बायोग्राफी थी, ज्यादा मैं बोल नहीं पाऊंगा, गला बहुत ज्यादा बैठा हुआ है। आई होप आपको पसंद आया होगा। अब लेक्चर्स आएंगे, डेली बेसिस पे आएंगे, खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।